नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। जैसा कि आप सबने देखा कि पिछले 6-7 महीने के अंदर इम्यूनिटी का हम लोगों के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ये पूरी दुनिया अच्छे से समझ चुकी है। तो इसलिए जरूरी था कि मैं इम्यूनिटी के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना के आप सबको इसके बारे में अवगत कराऊं। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपको इम्यूनिटी के बारे में ए से लेके जेड तक जानना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये जो स्लाइड है, इससे पूरे आप लोग भली भांति वाकिफ हैं, बच्चा बच्चा इस स्लाइड को पहचानता है। यह है कोरोना वायरस। इस वायरस ने पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में 73 लाख से ऊपर लोगों को इन्फेक्ट करा है और 4 लाख से ज्यादा डेथ जो है इस इनके इन्फेक्शन के कारण हुई है। दोस्तों, सिर्फ इंडिया में ही अकेले 2.5 लाख से ऊपर लोग इससे संक्रमित हुए हैं और 6 से 8 हजार के बीच में लोगों की डेथ हो चुकी है। अब आप जैसा जानते हैं कि इस वायरस ने पूरी दुनिया को जो है हमेशा के लिए बदल करके रख दिया है और ये शायद दुनिया कभी भी पहले जैसी ना हो पाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमको ये जरूरी बन गया कि हम एक वीडियो सिर्फ इम्यूनिटी के ऊपर बढ़ाएं और इसके अंदर हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप लोगों की इम्यूनिटी अच्छी रहे और अपलिफ्टेड और बूस्टेड रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस वीडियो से भला हो सकता है। तो दोस्तों, इम्यून सिस्टम के बारे में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इम्यूनिटी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको संक्षिप्त में ये पता रहना चाहिए कि हमारा इम्यूनिटी क्या होता है और इम्यून सिस्टम क्या होता है। सो लेट्स हैव अ क्विक शॉर्ट रिविजन ऑफ इम्यून सिस्टम बिफोर स्टार्टिंग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ परिभाषाएं से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पहली परिभाषा है इम्यूनोलॉजी की। स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम इज नोन एज द इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम क्या होता है? सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी जो है वो इम्यून सिस्टम होता है। इम्यूनिटी क्या होती है? जो प्रोटेक्शन हमें इन्फेक्शियस डिजीज से हमारा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। और इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब जो कलेक्टिव कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेस फॉर फॉरेन सब्सटेंसेस। अब ये दोस्तों फॉरेन सब्सटेंस को समझना जरूरी है। हम जब भी इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम इन्फेक्शन की बात करते हैं, हम वायरस की बात करते हैं, हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, पर इम्यून सिस्टम इस तरह से नहीं सोचता जिस तरह से हम सोचते हैं। इम्यून सिस्टम के पास सिर्फ दो टर्मिनोलॉजी है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ मतलब वो चीजें जो इम्यून सिस्टम मतलब शरीर का हिस्सा है, इम्यून सिस्टम उसको एज अ सेल्फ मानता है, और वो चीजें जो इम्यून सिस्टम के बाहर से आती हैं उसको इम्यून सिस्टम नॉन सेल्फ मानता है। मतलब जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअल, फंगल इन्फेक्शन, कोई एलर्जिक सब्सटेंसेस, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ये इम्यून सिस्टम इस तरह से सोचता नहीं है। इम्यून सिस्टम सिर्फ उनको एज ए नॉन सेल्फ की तरह ट्रीट करता है और इम्यून सिस्टम का एक ही टारगेट होता है कि उस इन्फेक्शन से जल्दी निजात पाना। अब दोस्तों, इम्यून सिस्टम क्या काम करता है? इम्यून, ये आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये कंपोजिशन ऑफ इम्यून सिस्टम के ऊपर है। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। इम्यून सिस्टम बेसिकली मोटे तौर पे दो चीजों से मिलके बना है। ये डायग्राम में आपको कई चीजें दिख रही हैं पर सिर्फ वो है दो चीजें। पहली चीज है, आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, लिम्फ नोड्स दिख रही हैं आपको, ग्रंथियां, गांठें। जो हम लोगों को इन्फेक्शन होता है तो अक्सर हम लोगों को गांठें उड़ जाती हैं। जब छोटे बच्चों को कान दर्द होता है, ईयर में इन्फेक्शन होता है, तो ये कान के आसपास उसकी गांठें उड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो इम्यून सिस्टम में बेसिकली सिर्फ दो चीजें होती हैं, ये गांठें होती हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स, और ये जो हरी हरी वेसल्स आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स। और ये जो गांठें हैं पूरे शरीर में फैली रहती हैं, इनके अलग अलग रीजनल होते हैं, तो इसको बोलते हैं रीजनल लिम्फ नोड्स। जैसे कि ये एक्जिला के आसपास एक्जिलरी लिम्फ नोड होती है, क्लेविकुलर बोन के आसपास क्लेविकुलर लिम्फ नोड होती है, सर्वाइकल लिम्फ नोड होती हैं, ये इंग्वाइनल लिम्फ नोड होती हैं, और पेट के अंदर भी लिम्फ नोड होती हैं आंतों से लिपटी हुई, जिनको हम बोलते हैं पेयर्स पेचेस। इन्हीं का इन्फेक्शन टाइफाइड कहलाता है। जब यही पेयर्स पेचेस में इन्फेक्शन होता है तब बंदे को टाइफाइड होती है। तो इम्यून सिस्टम बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना है, ये जो ग्रंथियां और ये गांठें जो देख रहे हैं ये, और इनको जोड़ने वाली ये हरी हरी ब्लड वेसल्स है, ये इन्हीं गांठों के अंदर। और इसके अंदर एक और चीज आप देख रहे हैं जो बीच में व्हाइट कलर की जो ग्रंथि है इसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ये है थाइमस ग्लैंड, ओके।
और थाइमस ग्लैंड जो होती है मैच्यूरेशन ऑफ इम्यून सिस्टम की सेल्स को मैच्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मोटे तौर पे हम इम्यून सिस्टम के कामों को समझेंगे। देखिए इसके दो ही काम है, पहला हर कोई जानता है, दूसरा कोई भी नहीं जानता। पहला काम है प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करना, हमको जब भी इन्फेक्शन हो उस इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति प्रोवाइड करना, ये इम्यून सिस्टम का बेसिक काम है। कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमें बुखार आता है, दैट इज द इम्यून रिस्पॉन्स, क्यों हमारा इम्यून सिस्टम उस बुखार से लड़ रहा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे इस इम्यून सिस्टम का पहला काम है कि इन्फेक्शन से बचाना और इन्फेक्शन से लड़ना। दोस्तों दूसरा काम जो इम्यून सिस्टम का, उसके लिए ये स्लाइड का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। ये स्लाइड में लिखा है हाउस ड्रेनेज ऑफ सिस्टम, और दूसरी स्लाइड के अंदर एक डिजाइन बनाया है मैंने कि आप यहाँ जैसे देख सकते हैं कि जैसे ये बाथरूम है तो बाथरूम से ये ड्रेनेज पाइप आता है, ये जो पॉटी करने की जगह है यहाँ से सीवेज पाइप आता है, किचन से ड्रेनेज पाइप आते हैं, हर जगह से ड्रेनेज पाइप आके इस घर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन होता है। यही सेम काम इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के ऊतकों के लिए करता है। जिस तरह से घर में रहने वाले लोग कई सारी चीजें ऐसी गतिविधियां करते हैं जिसके कारण वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वो नहाते हैं तो वेस्ट पानी निकलता है, वो पोटी करते हैं तो सीवेज का वेस्ट निकलता है, वो किचन के अंदर काम करते हैं तो किचन से भी ड्रेनेज निकलता है, वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो मतलब एक घर जो है वो कुल मिला के कचरा बनाने की मशीन होती है। एक घर जहां पे मानव रहता है वहां कचरा बनेगा, उसी तरह से जहां पे भी कोई ऊतक रहता है, टिश्यू रहता है, तो टिश्यू क्या करता है भाई, टिश्यू ऑक्सीजन लेता है अपने सर्वाइवल के लिए, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन को बर्न करके वो टिश्यू क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे वो टिश्यू जीवित रह सके। और इसी प्रक्रिया के दौरान होता क्या है, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं जिनको इस घर की तरह ही घर से और उस टिश्यू से ड्रेन करना जरूरी होता है। तो अब हम वापस से पुरानी स्लाइड पे जाते हैं कि ये जो आपको लिम्फेटिक सिस्टम दिख रहा है, ये कुल मिला के इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ ड्रेनेज का भी काम करता है। इसी कारण हम एनाटॉमी के अंदर एक ऑर्गन पढ़ते थे तो उसका नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई पढ़ते थे, उसका वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ते थे। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज का मतलब है कि जैसे इस एरिया में जितने भी सेल है वो जो अपना काम करेंगे, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो इसके अंदर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में ड्रेन कर देंगे, और अल्टीमेटली ये एक्सिलरी लिम्फ नोड थाई जो थोरेसिक डक्ट है वहां मिलेगी और वो आंतों में खुलती है और उससे वो वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। तो गाइस मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इम्यून सिस्टम के दो काम है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना और टिश्यूज के लिए ड्रेनेज सिस्टम का तैयार करना कि टिश्यू में तैयार होने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली ड्रेन हो सके। तो ये आपको एक बार शॉर्ट में और मैं समझा देता हूँ कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। म्यूकस मेम्ब्रेन, लिम्फेटिक वेसल्स जो मैं बता चुका हूँ, थाइमस ग्लैंड जो कि मैं बता चुका हूँ, बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि होता क्या है इम्यूनिटी के अंदर कि इम्यूनिटी काम में काम करने वाले मेजर जो दो सेल्स होते हैं वो होते हैं टी सेल और बी सेल। तो जो बी सेल होते हैं ना वो बेसिकली बोन मेरो में मैच्योर होते हैं, और जो टी सेल होते हैं, जो बी सेल होते हैं वो बोन मेरो में मैच्योरेशन लेते हैं, और जो टी सेल्स होते हैं वो थाइमस में मैच्योर होते हैं। इसी के साथ लिम्फ नोड, स्प्लेन, लिम्फेटिक वेसल्स एंड टॉन्सिल्स, ऑल दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ओके, अब अगली साइड में करते हैं। इम्यून सिस्टम इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू द टू पार्ट, वन इज नोन एज द इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी क्या होता है, इननेट इम्यूनिटी होती है कि वो इम्यूनिटी जो बॉडी को पैदा होते वक्त मिलती है माँ से। तो ये बच्चा जब पैदा होता है तो वो इननेट इम्यूनिटी लेके पैदा होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है और उसको एक दो बार इन्फेक्शन हो जाता है या फिर पैदा होने के बाद उसका इम्यूनाइजेशन होता है, तो वो जो इम्यूनिटी होती है वो तो रहती रहती है, प्लस उसको एक और इम्यूनिटी बोनस में अपलिफ्टेड इम्यूनिटी मिलती है जिसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इनके दोनों के दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब इम्यूनिटी काम करती है दो चीजों से। इम्यून सिस्टम के कुछ अपने डेजिग्नेटेड सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इननेट इम्यूनिटी में वो सेल कौन से हैं जो आप ब्लड की रिपोर्ट के अंदर जो पढ़ते हैं, ये वो सेल्स हैं, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये वो सेल्स हैं जो इननेट इम्यूनिटी में बच्चा लेकर के पैदा होता है। उसी तरह से उसको जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्हीं में से कुछ सेल बोन मेरो में जाके मैच्योर होते हैं तो वो बी सेल बनाते हैं, और कुछ सेल थाइमस ग्लैंड में से मैच्योर होने के बाद अपना टी सेल बनाते हैं। तो ये टी सेल और बी सेल कब बनते हैं, जब उस बच्चे को पैदा होने के बाद इन्फेक्शन हो जाता है तो टी सेल और बी सेल बन जाते हैं।
उसी तरह से इम्यूनिटी का जो दूसरा पार्ट है, सिक्रीटेड कंपोनेंट या ह्यूमरल कंपोनेंट, बायोलॉजिकली ह्यूमरल शब्द जो रहता है वो फ्लूइड के लिए यूज होता है। इसमें सेल्स नहीं, सेल्स का अपोजिट है फ्लूइड, कि कोई सेल नहीं है, बस कुछ लिक्विड चीजें हैं। वो लिक्विड चीजें कौन सी होती हैं जो इम्यून सिस्टम में, तो उसको ब्रॉड कैटेगरी में हम एंटीबॉडी बोलते हैं। पर वो जो एंटीबॉडी जो बच्चा लेके पैदा होता है, क्योंकि बच्चे में तो एंटीबॉडी होती नहीं, एंटीबॉडी तो एडाप्टेशन के बाद आती है। जब वो बच्चे को इम्यूनाइजेशन हो जाता है या कुछ बार इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज क्यों बनती हैं? इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी इम्यूनोग्लोबुलिन का IgM और IgG का टेस्ट हो रहा है कोरोना के, मतलब उसका ये मानना है कि कोरोना होगा तो इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ जाएगी। तो एंटीबॉडी हमेशा एक्वायर्ड होती है। एक बच्चा जो चीज लेके पैदा होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, साइटोकाइनिन्स, लाइसोजोम और कुछ एक्यूट फेस प्रोटीन। कुछ प्रोटीन लिक्विड फॉर्म में बच्चे के ब्लड में होते हैं जो उसको इननेट इम्यूनिटी का ह्यूमरल कंपोनेंट प्रदान करते हैं। ठीक है, अब अपन उसी चीज को दूसरी तरीके से समझते हैं कि जो इम्यूनिटी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, सेल्यूलर इम्यूनिटी जिसमें कुछ सेल्स होते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसमें कुछ लिक्विड या फ्लूइड्स होते हैं। सेल्यूलर इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड इननेट। इननेट मतलब जो बच्चा लेके पैदा हुआ जिसमें मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल थे। एडेप्टिव मतलब टी सेल्स एंड बी सेल्स। वहीं पे ह्यूमरल के अंदर बच्चा क्या लेके पैदा होता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम लेके पैदा होता है और कुछ एंटीबैक्टेरियल प्रोटीन लेके पैदा होता है। और जब इसको इन्फेक्शन हो जाता है या इसका इम्यूनाइजेशन हो जाता है, उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स का डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों ये एक संक्षिप्त तो विवरण था। अब सबसे इम्यूनिटी का अब सबसे बड़ा सवाल है, भाई हम लोगों की इम्यूनिटी इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है दिन पे दिन? वी आर गेटिंग सिक, वी आर गेटिंग वीकन, और क्या करें हम ऐसा कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो अप टू द मार्क रहे? ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्टेड अप रखें? तो दोस्तों उसका जो जवाब है वो इस स्लाइड के अंदर है कि हाउ टू बूस्ट और अपलिफ्ट योर इम्यूनिटी, कि अपनी इम्यूनिटी को आप कैसे बूस्टेड रखेंगे। इसको मैं जल्दी जल्दी से पढ़ देता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट है हीट, हेल्दी डाइट एंड बैलेंस डाइट। हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट लें। ईट साइट्रस फ्रूट्स एज लेमन एंड ऑरेंजेस। ईट एंटी ऑक्सीडेंट्स। स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस। स्टे हैप्पी ऑलवेज। टेक प्रॉपर स्लीप। Do regular exercise and exposure to the infects is most important to boost immunity. दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि आखिरी पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप में से लाखों लोगों की जिंदगी बदल के रख देगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये तो आप इंटरनेट पर सर्च करोगे ना, ये 8-9 पॉइंट ये वहां से भी मिल जाएंगे 7 पॉइंट, पर ये 8वां पॉइंट आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर ही बता सकता है। एंड दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू एब्सोल्यूटली कॉन्ट्रेरी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेडिकल फिटर्निटी। तो दोस्तों हम हर एक पॉइंट को अलग से समझेंगे। पहला पॉइंट है हीट, हेल्दी फूड एंड बैलेंस डाइट। अब दोस्तों ये एक बड़ा मजेदार पॉइंट है। ये मजेदार इसलिए है क्योंकि ये जानता सबको ही है, करता कोई नहीं है। सबको जंक फूड खाना है, सबको पता है हेल्दी डाइट खाने से इम्यूनिटी और बॉडी बैलेंस में रहती है, बैलेंस डाइट खाने से हम लोग स्वस्थ रहते हैं, सबको पता है पर कोई भी नहीं करता। तो दोस्तों हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए। इस स्लाइड को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आए। फाइंड योर बैलेंस बिटवीन फूड एंड फन। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है जो संतुलित आहार की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि हमारी डाइट में भाई फ्रूट्स का भी एक सेगमेंट होना चाहिए, ग्रेन्स मतलब दालों और जो बीज वाली सब्जियां होती हैं उनका भी सेगमेंट होना चाहिए, वेजिटेबल्स भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होना चाहिए, इसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट भी होना चाहिए। तो ईट वेल, बी एक्टिव, हैव फन। ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके बारे में, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, डोंट पुट जंक फूड इन यूर प्लेट इफ यू वॉन्ट टू फील ग्रेट। ये भी सबको पता है कि जंक फूड कितना नुकसान करता है। फेसबुक और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे सब कुछ पता है, सब पढ़ा है, सब पढ़ते हैं, खूब चाव से पढ़ते हैं, पर करना कोई नहीं है। जो ये करेगा उसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा बूस्टेड हो जाएगी। से नो टू जंक फूड। हेल्दी फूड यू ईट विल नेवर चीट। ईट यूर मील अंडर यूर जील। इतनी सी बात है कि भैया शुगर, फैट और प्रोसेस्ड फूड जो हमारा जंक फूड होता है उससे हमको दूर रहना है, हमको वेजिटेबल्स लेनी है, खूब सारा पानी पीना, ऑर्गेनिक फूड खाना है, सबको पता है, इसलिए ज्यादा बात करूंगा नहीं। आप सब बहुत समझदार हैं। ये जो स्लाइड है इसके अंदर जो चीजें ज्यादातर लोगों को उससे नफरत है, पर यही सब जो है बैलेंस डाइट और हेल्दी फूड के अंदर आता है। सेकेंड पॉइंट इज द ईट साइट्रस फ्रूट रिच इन विटामिन सी। इट इज ऑल्सो सिंपल। यहाँ पे साइट्रस फ्रूट
और विटामिन सी का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर फ्रूट के अंदर विटामिन सी होता है। आप देख लो, आपके मैंगो में विटामिन सी होता है क्योंकि खट्टे होते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं, विटामिन सी होता है, नींबू में विटामिन सी है, लेमन में विटामिन सी है, सॉरी दोनों एक ही बोल दिया, आंवला के अंदर विटामिन सी है, ऑरेंजेस में विटामिन सी है, आपका मौसम्बी में विटामिन सी है। तो यहाँ पे साइट्रस फ्रूट और विटामिन सी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा तात्पर्य है फलों से, कि आपको साइट्रस फ्रूट्स लेना है जो विटामिन सी के अंदर रिच हो, क्योंकि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को अपलिफ्ट करने में बहुत मदद करता है। अगला जो पॉइंट है, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट। अब भाई फ्रूट का हेल्थ बेनिफिट है, यहाँ पे ऐसे लेमन को एग्जाम्पल लिया गया है, पर कुछ ऐसे फल हैं जो इससे भी ज्यादा न्यूट्रिशियस हैं, कुछ हैं जो इसके बराबर या इससे कम न्यूट्रिशियस है। तो अब क्या क्या है भाई इसके अंदर, विटामिन के नाम पे फ्रूट्स में क्या होता है, विटामिन सी होता है, B6 होता है, B1 होता है, B2 होता है। मिनरल्स के अंदर कॉपर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम होता है। डाइट के अंदर मतलब इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स के अंदर डाइटेट्री फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैलोरीज होते हैं। और ये 1760 चीजें होती है, स्लाइड को पॉज करके पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कितने काम के होते हैं फल। तो भाई इसलिए फल खाओ और इम्यूनिटी को बढ़ाओ। तीसरा पॉइंट, ईट एंटीऑक्सीडेंट। भाई एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वो चीजें होते हैं जो आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जब लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बाहर खुले में पड़ा रहता है, तो उस ऑक्सीजन के रिएक्शन के कारण आयरन की ऑक्साइड बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं जंग लग जाना, या फिर हम ये बोलते हैं कि उस लोहे की एज हो गई है। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बट बायोलॉजी के अंदर ऑक्सीडेशन मतलब सीधे सीधे आपकी एजिंग से ही संबंध रखता है। बुढ़ापा मतलब ऑक्सीडाइज हो जाना, और वो चीजें जो बुढ़ापे को आने से रोकें या बुढ़ापे आके आने की रफ्तार कम कर दें, उस चीज को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट भी उसी चीजों में पाया जाता है जो आप सबको खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, गाजर, गार्लिक, लेमन, टोमेटो। टोमेटो में लोग लाइकोपिन होता है, लाइकोपिन बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। कच्चे फल, कच्ची सब्जियां है, ड्राई फ्रूट्स, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, पर नोबडी वांट्स टू ईट दिस। तो मत खाओ, बीमार पड़ो, एंटीऑक्सीडेंट्स खाओगे तो इम्यूनिटी को बढ़ाओगे। ये फिर अब वापस से वही स्लाइड रिपीट करी, ये जितनी भी चीजें दिख रही हैं इसके अंदर सब में एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो टॉप 10 इम्यून बूस्टिंग फूड जो है उसके अंदर देखो ज्यादातर कच्ची चीजें आ रही हैं। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल चीजें भी हैं, वो मैं अलग से बता देता हूँ, कि हल्दी हो गई, हल्दी को आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, जिंजर अदरक को बहुत इंपॉर्टेंस, गार्लिक को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, लोग बीपी कंट्रोल करने को गार्लिक लेते हैं। व्हीट ग्रास मतलब जो जौ का पानी, कई लोग आजकल हुआ है कि जौ उगाते हैं उसको मिक्सर में निकाल के पीसते हैं, कई जगह जूस के दुकानों पर आपको जौ का पानी मिलता है, थोड़ा कॉस्टली पर यह बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और ऑन रिकॉर्ड है कि कैंसर के केसेस इस जौ के पानी से सही हुए हैं। कच्ची सब्जियां, साइट्रस फ्रूट, पाइन एप्पल है, फलाना ढिमका, ये सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट है, खाओगे तो रोगों को दूर भगाओगे, इम्यूनिटी को बढ़ाओगे। अगला पॉइंट है अवॉइड स्ट्रेस। भाई यह चिंता चिता के समान है, चिंता जो है वो चिता के समान है, बुजुर्ग लोग ऐसे ही नहीं बोल के गए, चिंता चिता के समान है। तो अगर आप स्ट्रेस में रहते हो तो आपकी इम्यूनिटी के काम लगने तय हैं। अब आप चिंता के लिए, स्ट्रेस के लिए एक चीज है कि जब भी आप स्ट्रेस में आते हो ना, आपके अगल बगल हर चीज बदल जाती है, आपको सब बेकार लगने लगता है, आप झुंझलाने लगते हो, आप स्ट्रेस की कंडीशन को लेके इरिटेट होने लगते हो, उसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर भी सब कुछ चेंज हो जाता है स्ट्रेस आने पे। आपकी आंतों की चाल रुक जाती है, आप कॉन्स्टिपेटेड फील करने लगते हो, आपको हेडेक होने लगता है, आपके पूरे शरीर के काम करने का जो सिस्टम है वो बदल जाता है। तो अवॉइड स्ट्रेस इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। तो यहाँ पे ये इसलिए ये पॉइंट लिखा है कि हाउ स्ट्रेस इज किलिंग यूअर इम्यूनिटी, क्योंकि इसका सीधा सा संबंध है, हम में से हर कोई स्ट्रेस में है, किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी को पैसे का स्ट्रेस है, मतलब 1760 चीजों का स्ट्रेस है। हम लोग मल्टी टास्किंग अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, कर बहुत कुछ रहे हैं और रिजल्ट कुछ आते नहीं है, हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, हाउ स्ट्रेस अफेक्ट यूअर बॉडी, ब्रेन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है भैया, डिफिकल्ट कंसेंट्रेशन होता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी ऑफ मूड और मूड ब्रेन फेग हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर में क्या होता है भैया, स्ट्रेस का हार्ट अटैक से संबंध बहुत पुराना है, सब लोग जानते हैं, बीपी बढ़ जाएगा, कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा। जॉइंट और मसल्स में भैया, जब स्ट्रेस होता है तो पूरे बदन बदन में दर्द होने लगता है, इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस स्ट्रेस के पेशेंट के अंदर तेज हो जाती है, उसकी मांसपेशियों में टेंशन आ जाता है, जैसे भेजे में टेंशन वैसे मांसपेशियों में टेंशन, तनाव,
शरीर दुखने लगेगा, इम्यून सिस्टम जो कि हम जिसपे अभी वीडियो ही बना रहे हैं भैया, कि स्ट्रेस से इम्यून सिस्टम की डिक्रीज इम्यून फंक्शन हो जाता है, लोअर इम्यून डिफेंस आपका कम हो जाएगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ बिकमिंग इल, आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुतायत में बढ़ जाएंगे अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, इंक्रीज इन द रिकवरी टाइम, जब भी आपको कोई एक्यूट डिजीज होता है और उससे जब आप रिकवरी का टाइम आता है उसको बोलते हैं रिकवरी पीरियड, आपका रिकवरी पीरियड स्ट्रेस में बाकी बीमारियों से बढ़ जाएगा। पहले अगर आप खुश खुश रहोगे तो 4 दिन में वापस रिकवर हो जाओगे, आप नहीं रहोगे तो 15 दिन में रिकवर हो गए। स्किन के ऊपर भैया हेयर लॉस होते हैं, स्किन डल पड़ जाती है, नाखून टूटने लगते हैं, ड्राई स्किन, एक्ने, पिंपल पिंपल होने लगेंगे, डिले टिश्यू रिपेयर, कोई भी इंजुरी बॉडी के अंदर होगी किसी भी फॉर्म की तो उसका जो रिपेयर का स्लो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा अगर आप स्ट्रेस में रहोगे। इंटेस्टाइन पे भी उसके फर्क पड़ते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के ऊपर आपका जो दांतों की चाल स्लो पड़ जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, ज्यादा स्ट्रेस में आपको डायरिया होने लगेगा, पेट फूलने लगेगा, पेट डिस्कम्फर्ट, आपको पेन और डिस्कम्फर्ट फील होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भैया नपुंसकता का स्ट्रेस से कितना बड़ा रिलेशन है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में हो आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस धरा का थरा रह जाएगा और आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा अगर आप प्रॉपरली सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाए तो। डिक्रीज्ड हार्मोन प्रोडक्शन, डिक्रीज इन द लिबिडो, इंक्रीज इन द पीएमएस सिम्टम, ये सब होने लगेगा। तो भाई इसलिए स्ट्रेस को दूर भगाइए। तो स्ट्रेस मतलब इम्यूनिटी का ब्रेकडाउन है, सीधी सी बात ये समझ लो कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ब्रेकडाउन ऑफ इम्यूनिटी। पांचवा पॉइंट, बी हैप्पी, स्ट्रेस का अपोजिट है भाई। अगर आप हैप्पी रहोगे तो आपका शरीर बहुत बढ़िया काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी काम करेगी। इस तरह से स्ट्रेस में सब कुछ बदल जाता है, अगर आप हैप्पी हो जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। ऐसी चीजें जो आपके इर्द गिर्द है आपको सब पसंद आने लगेगा, आपकी भूख खुल जाएगी, आपकी प्यास खुल जाएगी, आपका डाइजेशन इम्प्रूव्ड रहेगा, आपका बॉवेल की मोटिलिटी अच्छी हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो हैप्पी होना मतलब खुश रहना 100 बीमारियों की एक इलाज है कि बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। ओके, तो थिंक हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। और यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा एक लाइन है कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू स्टे हैप्पी इज टू लेट गो ऑफ ऑल द थिंग्स दैट मेक यू सैड। हैप्पी होने का एक ही तरीका है, वो हर चीज छोड़ दीजिए जो आपको सैड बनाती है। अब अगला पॉइंट है स्लीप प्रॉपरली, ये बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज यूर इम्यून सिस्टम रिलाइज ऑन स्लीप कंप्लीटली। देखिए प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है, अगर आप प्रॉपरली नींद लेंगे तो ही आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा, क्योंकि अगर नींद लेना जरूरी नहीं होता तो ऊपर वाला आधा दिन आधी रात का सिस्टम नहीं बनाता कि आधा दिन रहता है आधी रात रहती है। दिन में हम काम करते हैं, रात में हम सोते हैं, पर हमारी दिनचर्या, हमारी आदतें, हमारे ऊपर स्ट्रेस, जो भी चीज हमारे साथ चल रही है उसमें हम लोग ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग रात में सोते नहीं है, लेट नाइट हम वर्क करते हैं, हम लेट नाइट काम करते हैं, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी स्लीप डिसाइड करती है, हम जब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं इससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिसाइड करता है, और हमारी शरीर की स्थिति उसी बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट रहती है कि अगर बायोलॉजिकल क्लॉक प्रॉपरली काम कर रही है तो हम हेल्दी रहेंगे, इम्यून रहेंगे, अगर वो नहीं काम करेगी हम इम्यूनिटी हमारी खत्म हो जाएगी। तो हाउ लेक ऑफ स्लीप इम्पैक्ट द इम्यूनिटी, इसके ऊपर रिसर्च हुई है और इसके कुछ जवाब भी मिले हैं कि कम सोना किस तरह से इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। तो वो इसके जवाब, उसका जवाब यह है कि गुड स्लीप करती क्या है भैया, गुड स्लीप एक अच्छी नींद से मेरा जो कंसंट्रेशन है वो शार्प होता है, मैं डिसीजन पावर मेरी बेटर होती है, मेरी मेमोरी इंप्रूव होती है, एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस मेरी बढ़ जाती है, बेटर टाइम्स इम्यून सिस्टम मेरा बेटर हो जाता है, इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, सोने से फिजिकल हेल्थ बनती है। और ये अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को जानते होंगे तो आप इससे भली भांति वाकिफ हैं कि वो सवेरे 5 बजे उठ के 11 बजे तक पूरी अपनी बॉडी में जिम में वर्कआउट करते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं, और एक बॉडी बिल्डर हमेशा दिन में 3 से 4 घंटे की नींद प्रिफर करते हैं क्योंकि उससे उनका वर्कआउट का जो रिजल्ट है उनके शरीर पे ज्यादा बेटर आता है, इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल। तो ये सारे फायदे होते हैं अच्छी नींद के। सातवां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता है कोई नहीं करता, रेगुलर एक्सरसाइज। भैया टाइम नहीं है हम लोगों के पास, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो जो लोग, आप में से ज्यादातर लोग एक्सरसाइज के बाद गुड फील करते होंगे, तो वो जो गुड फीलिंग आती है ना, वो जो फीलिंग है वो सीरेटोनिन नाम के हार्मोन के रिलीज के कारण आती है, जो कि
एक्सरसाइज पे ही सबसे ज्यादा रिलीज होता है। तो इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने की आपकी पूरी की पूरी बॉडी की मसल्स टोन में रहेंगी, आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्टेड अप रहेगी, आप कोलेस्ट्रॉल के खतरे से और कोलेस्ट्रॉल के बाद कार्डियोवास्कुलर रिस्क के खतरे से बच जाओगे, और प्लस आप खुश भी रहोगे। आप एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज से आपको सिर्फ हेल्थ नहीं मिलेगी, रेगुलर एक्सरसाइज से आपको खुशी भी मिलेगी, और ये दोनों मिलके आपको आपकी इम्यूनिटी को अपलिफ्ट करने में मदद करेंगे। और दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है, डू नॉट अवॉइड एक्सपोजर। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मेरे डॉक्टर बंधु इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखें कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। भाई, इसके नाम में ही सवाल में का जवाब है। एक्वायर्ड मतलब वो इम्यूनिटी जो हमको पैदा होने के बाद मिलती है। तो सोचिए, अगर किसी ने हमारा पैदा होने के बाद इम्यूनाइजेशन नहीं कराया होता, या फिर पैदा होने के बाद हमको किसी ने इन्फेक्शन हमको नहीं होता, तो हमें ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहाँ से आती? हमारे टी सेल्स और बी सेल्स कहाँ से आते? भाई, ये इन्फेक्शन के कारण ही तो आए हैं। तो मेरा इस पॉइंट में कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए मेरे को इन्फेक्शन में ऐसी कंडीशन निर्मित करूँ कि मुझे इन्फेक्शन ही नहीं हो, तो क्या मेरी इम्यूनिटी रहेगी? नहीं रहेगी। अमेरिका में 1 लाख लोग क्यों मरे? 1 लाख लोगों के ऊपर क्यों मरे, और वहां पे इतने लाखों की तादाद में लोग क्यों इफेक्ट हुए? उसका कारण था कि अमेरिकन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊंचा था। अमेरिकन लोग बहुत ही ज्यादा समृद्ध हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। उसी की वजह से उनकी इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया ही नहीं थे। वो अच्छा पानी पीते हैं, उनके सड़कों पर धूल नहीं होती, उनके यहाँ मच्छर नहीं होते, उनके यहाँ मलेरिया और मलेरिया जैसी सैकड़ों बीमारी पहले ही खत्म होती हो चुकी हैं, वहाँ ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता। तो कुल मिला के वो एक ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे थे जहाँ पे उनको बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होता था। और जब किसी भी साजिश के तहत कोरोना वायरस वहां पहुंचा, तो उसने बहुतायत में उनकी तबाही करी, उनकी जाने ली। क्यों? क्योंकि वो लोग के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम पे कुछ नहीं था। वो इतने देवता बन गए थे, वो इतने भगवान तुल्य हो गए थे कि वो तो स्वर्ग में रहते थे, उनके पास कोई इन्फेक्शन नहीं था। स्वर्ग में इन्फेक्शन होता है क्या? नहीं होता। उसी तरह से जब इंडियंस की आप बात करोगे, तो हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे यहाँ बैक्टीरिया भी है, धूल भी है, 50 प्रकार के इन्फेक्शन भी है, सैनिटाइजेशन की कमी भी है, हमारे यहाँ साफ पानी नहीं मिलता है ना। तो ये सारी चीजों के कारण हम लोग बहुत यूज टू थे एक्सपोजर के लिए, और ये वही एक्सपोजर था जिसने ऑलरेडी हमारे अंदर इम्यूनिटी का लेवल, अगर अमेरिकन की इम्यूनिटी यहाँ थी तो इंडियन की इम्यूनिटी यहाँ पे थी, और इसी के कारण अमेरिकन लाखों की तादाद में मरे और हम अभी बामुश्किल 8,000 भी नहीं टच कर पाए, जबकि हमारे यहाँ इन्फेक्शन कितना हो चुका है? 2.5 लाख के पार हो चुका है। जब यही इन्फेक्शन अमेरिका में 2.5 लाख के पार था, तो मरने वालों की संख्या आप देखिए कितनी थी। मतलब ये, मेरे कहने का मतलब है, ये पॉइंट को समझिए कि डू नॉट ट्राई टू अवॉइड द एक्सपोजर। एक्सपोजर को अवॉइड करने की कोशिश मत करिए। अगर एक्सपोजर नहीं होता तो इम्यूनिटी नहीं बिल्ट होगी। इम्यूनिटी नहीं बिल्ट हुई तो जिस दिन एक्सपोजर हुआ, उस दिन आपका बीमार होना और बीमार होने के बाद बहुत फेटल प्रोग्नोसिस आपका तय है। इसलिए यू हैव टू कीप अ क्लेवर बैलेंस बिटवीन द सैनिटाइजेशन एंड एक्सपोजर टेक्निक। कहने का मतलब है, हमेशा आरओ का पानी मत पीजिए, घर में मटका भी रखिए, मटके का पानी पीजिए। कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाए तो बिसलरी की बोतल मत बुलवाइए, वहां पे जो रेस्टोरेंट में पानी रहता है उस पानी को पीजिए। इससे होगा क्या कि आपके अंदर माइन्यूटली आप एक्सपोज होते रहोगे, और उस एक्सपोजर की वजह से आपको इम्यूनिटी आपकी एक लेवल पे सस्टेन करती रहेगी। उससे ये नहीं होगा कि आपने सिर्फ बिस्लरी का पानी पिया, ये सब बिस्लरी पीने वाले ही मरे हैं, जितने मरे हैं, ये जितनी मौतें हुई हैं ये सब रईस की औलादों की हुई हैं, क्योंकि उनने अपने स्टैंडर्ड को इसी से बताते थे, भाई मैं इधर का पानी नहीं पीता, मैं ये नहीं खाता, मैं भाई मेरे को तो ऐसी चाहिए, मेरे को तो सैनिटाइज बेड चाहिए। अब ये इस वजह से होगा क्या, आपकी इम्यूनिटी एकदम बॉटल नेक हो जाएगी। भाई, इन्फेक्शन ही नहीं हो रहा तो काहे की इम्यूनिटी? बॉडी के अंदर एडेप्टेशन वाला एडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है। तो आप, मैं समझता हूँ, भली भांति समझ गए कि इस पॉइंट से मेरा क्या तात्पर्य है। अपने बच्चों को राजकुमार की तरह ना पालें, उनको मजदूर के बच्चे की तरह पालें। मजदूर का बच्चा नंगा कहीं पे भी खेलता रहता है, बड़ी धूप में, मई की धूप में खेलता रहता है, उसको कुछ नहीं होता। आपका बच्चा 1 घंटे के लिए गर्मी की धूप में समर कैंप जाता है और उसको लू लग जाती है, इसके बारे में जरा सोचिए। पुराने जमाने में भगवान राम भी राजा हुआ करते थे, पर वो भी गुरुकुल जाते थे। गुरुकुल क्यों भेजा जाता था? गुरुकुल इसलिए भेजा जाता था
कि गुरुकुल में जाके रफ एंड टफ बनाया जाता था। नेचर का भी नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सिर्फ फिटेस्ट ही सर्वाइव करेगा, जो कमजोर होगा वो पक्का मरेगा। और फिट रहने के लिए एक्सपोज होना जरूरी है, फिट होने के लिए एक टफ लाइफ जरूरी है, और हमको इंडिया में वो टफ लाइफ मिली, हम लोग एक्सपोज होते रहे, इसी के कारण हम बच पाए। नहीं तो इंडिया की इतनी ज्यादा 130 करोड़ की आबादी है कि अगर हमारे अंदर, हमारे यहाँ अमेरिका जैसा कम्युनिटी स्प्रेड होता तो मरने वालों की गिनती हम गिन नहीं पाते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। नमस्कार।